सच बताना, वो घड़ी तुम नहीं चुराई है? ये तुम क्या बोल रहे हो भाई, कौन सी घड़ी, ये क्या कह रहा है? झूठा इल्जाम मत लगाओ, तुम ऐसे बात करने वाले होते कौन हो? पूरे मोहल्ले की औरतें बुला लो। हाँ, बुला लो। सबको तुम्हारी परवाह करनी चाहिए ना? हाँ, करनी चाहिए। सबको तुमसे प्यार करना चाहिए? हाँ, करना चाहिए। तो दफा हो जाओ निको। क्या तुमने मेरी ड्रिंक में कुछ मिला दिया था? हाँ, मुझे ये किसी मूवी सीन जैसा लग रहा है। समझदार हो, फिर तो तुम ये भी जानती होगी कि अब तुम्हारे साथ आगे क्या होने वाला है। वेलकम, आज यहाँ ऑफिस में कैसे? मैं आहू को लेने आई हूँ, हम शॉपिंग के लिए जाने वाले हैं। तुम आहू के साथ शॉपिंग करने जाओगी? तुम्हारा भाई तुमसे बहुत नाराज हो जाएगा, नील वापस आएगी तब उसके साथ जाना। अरे लेकिन मैं वो बहन जी टाइप लड़की के साथ शॉपिंग कैसे जाऊंगी? आहू ऑफिस में नहीं है क्या? हाँ यहीं पर है, और कहाँ जाएगी वो। तो कैसे हो तुम, सब ठीक ठाक है ना? ठीक हूँ फातिमा, ठीक हूँ। ठीक है, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। हाँ अल्लाह का शुक्र है। तुम्हारे लिए कॉफी बना कर लाऊं, पीना पसंद करोगे? कॉफी नहीं, कॉफी से मेरा सर दर्द होने लगता है। ओह, लेकिन तुम एक बार मेरे हाथ की बनी कॉफी पियोगे ना तो जिंदगी भर मेरे पास ही आओगे। नहीं शुक्रिया, इंशाल्लाह फिर कभी पी लूंगा। इन्हें जल्दी शॉपिंग के लिए जाना है, इसलिए मैं जाकर गाड़ी में बैठता हूँ। अलविदा। फिर मिलेंगे मुस्तफा। क्या हो गया देमिर भाई? कुछ नहीं मिस्टर बुरहान, अब कोई शूटिंग नहीं। तो आप लोगों ने चोर का पता लगा लिया? नहीं, लेकिन हमें किसी पर शक है। कौन है? माहिर। क्या माहिर? हाँ, सिनेमेटोग्राफर माहिर। ये क्या कह रहे हैं आप? तुम जरा जाकर माहिर को बुलाना। ठीक है मिस्टर बुरहान। क्या बात है देमिर, क्या आपको अपनी बात पर पूरा यकीन है? नहीं यकीन तो नहीं है, पर पहले भी उसके सेट पर चोरी की वारदातें हो चुकी है। अल्लाह अल्लाह। बुरहान भाई आपने मुझे बुलवाया? माहिर सच बताना, वो घड़ी तुम नहीं चुराई है? ये तुम क्या बोल रहे हो भाई, कौन सी घड़ी, ये क्या कह रहा है? झूठा इल्जाम मत लगाओ, तुम ऐसे बात करने वाले होते कौन हो? बुरहान भाई समझाइए इसे। उस कमरे से आखिर में तुम और सरपिल ही बाहर गए थे, तो अब या तो सरपिल चोर है या फिर। भाई मैं उस कमरे से सबसे लास्ट में निकला हूँ, तो इसका मतलब मैं चोर हूँ? हमें पता चला है कि तुमने पहले जहाँ भी काम किया है वहाँ सेट्स पर चोरियाँ हुई है। हाँ मैं मानता हूँ, लेकिन हमने तो ये भी सुना है कि कुछ महीने बाद वहाँ का चाय बनाने वाला चोरी करते हुए रंगे हाथ पकड़ा गया था। चोर वो था, मैं नहीं था। आपको भी शर्म आनी चाहिए बुरहान भाई, आप तो मुझे सालों से जानते हैं, आपने फिर भी ऐसा किया, शर्म आनी चाहिए आपको, आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। ये तो भड़क ही गया, अल्लाह अल्लाह, एक सिंपल सा सवाल पूछा था, मतलब ये चोर नहीं हो सकता। तुम बहुत सुंदर लग रही हो और ड्रेस भी बहुत प्यारी है, आज मेरे लिए शॉपिंग करने चले? जरूर चलेंगे, तुम्हारा पूरा वार्डरोब बदल देंगे। और वो ग्रीन टी सजेस्ट करने के लिए थैंक यू, मेरा वेट कम हो गया। अब तुम 2 महीने तक ऐसे ही पीती रहना। वैसे मेरा भाई कहाँ है, कहीं नजर नहीं आ रहा वो? वो और नील साथ साथ बाहर गए हैं। सच में? क्या कह रही हो, पर उसने तो इस्तीफा दे दिया था ना? पता नहीं इससे हमारा पीछा कब छूटेगा। इस्तीफा तो एक बहाना था, वो वापस आ गई है, लेकिन इस बार हमेशा के लिए जाएगी इंशाल्लाह। चलो शॉपिंग के लिए चलते हैं। मुझे तो लगा कि तुम भी सेट छोड़कर चली गई हो। मैं यहीं पर हूँ। मिस नील, मैं आज रात आपको अपनी बर्थडे पार्टी में इनवाइट करना चाहता हूँ, अगर आप आएंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। इनवाइट के लिए शुक्रिया, लेकिन बात यह है कि आज रात मैं अपनी फैमिली के साथ वक्त गुजारने वाली हूँ। लेकिन मैं आपसे ना नहीं सुनना चाहता, आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। फिर तो मैं भी आपको रिक्वेस्ट करके कह रही हूँ कि मैं नहीं आ पाऊंगी, मुझे माफ कीजिएगा। ठीक है। हाँ बोल सिसिल। नील, मेरे पास एक बहुत बड़ी खबर है। माहिर ने जहाँ जहाँ पहले काम किया है उसके सेट पर एक और आदमी था। कौन है वो? निहात। क्या कहा? रुक 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 रुक, मैं अभी तुझे थोड़ी देर में कॉल करती हूँ, फोन रख। मिस्टर निहात जी बोलिए। आपकी बर्थडे पार्टी कहाँ पर होने वाली है? मेरे घर पर होने वाली है।
अब तुम अपने दोस्त को ये सूप पिला दो। आपका बहुत शुक्रिया आंटी, आपने नीको को अपने घर में रहने दिया। हमेशा के लिए नहीं, बस इसके ठीक होने तक। थैंक यू। ये देखो बेबी, मैं तुम्हारे लिए सूप लेकर आई हूँ। क्या हुआ? मेरा मुंह जल गया। क्या हुआ तुम्हें? मेरे मुंह में फूंक मारो, जल्दी करो। फूंक मारूं? अब समझ गई नीको, हम यहाँ पर ये सब नहीं कर सकते। कोई देख लेगा तो क्या सोचेगा हमारे बारे में। मैंने मेरे बेबी का दिल तोड़ दिया क्या? मुझे माफ करना बेबी, उन्होंने तुम्हें कुत्ते की तरह पीटा। तुम हमेशा गलत लोगों के साथ पंगे क्यों लेते हो बोलो? तुम्हें उनकी हालत भी देखनी चाहिए थी। वो भी तुम्हारी तरह स्टॉक के साथ सूप पी रहे हैं? नहीं, वो दारू के साथ कीमा कबाब खा रहे होंगे। अगर वो खुद हमसे आकर बात करता है तो अच्छा होता, लेकिन उसने नहीं की, इसलिए अब आपको उससे रिश्ता खत्म करना पड़ेगा। ठीक है, ख्याल रखिए। ओके। आहू, कैसी हो? ये आयशा है, देमिर की बहन, और ये है लॉयर बरकांत। मिलकर खुशी हुई। मुझे भी। मैं स्कूल टाइम से देमिर का अच्छा दोस्त हूँ। शायद मैंने आपको ग्रेजुएशन के लास्ट डे उसके साथ देखा था, तब आप बहुत छोटी थी। अब तो आप बहुत खूबसूरत बन गई हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिस आहू, मैं आपसे एक केस के सिलसिले में बात करना चाहता हूँ, अगर मिस आयशा इजाजत दे तो हमें। हाँ, जरूर, मैं गाड़ी में वेट करती हूँ। ठीक है, मैं जल्दी आ जाऊंगी। नील के ऑफिस वापस आने के बाद से देमिर तुम्हारे हाथ से निकल चुका है। अब तुम क्या करने की फिराक में हो? लगता है देमिर को तुम्हारी परवाह नहीं। देमिर और मेरे बीच सिर्फ नील नहीं है, मिसेस मोजेस भी मुझे पसंद नहीं करती। देमिर और मेरे बीच वो सबसे बड़ी रुकावट है। वो नील और देमिर की जोड़ी बनाना चाहती है। तो फिर मिसेस मोजेस की कोई खास कमजोरी ढूंढो, माँ और बेटे के बीच में दरार पैदा करो, उनका एक दूसरे के ऊपर से भरोसा खत्म कर दो। मुझे अच्छे से पता है कि ये काम कैसे करना है, लेकिन इसके लिए मुझे उस घर में जाना पड़ेगा। और इस काम के लिए तुम उसकी बहन आयशा का इस्तेमाल कर सकती हो। मुझे तुम्हारे टैलेंट पर भरोसा है, जाओ काम पर लग जाओ। बे खरबूजा, खरबूजे। हेलो, 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 मुझे माफ कीजिएगा, मैंने आपको डरा दिया। खरबूजे ले लो। खुशामदीद, खरबूजे लेंगी? एक काट कर दिखाइए प्लीज, चेक कर लूं मीठा है भी या नहीं। हाँ हाँ, ये बहुत मीठे हैं, आपको पसंद आएंगे। मैं अभी चेक करवाता हूँ, ये सारे ही बहुत मीठे हैं। ये लीजिए, टेस्ट करके बताइए। लीजिए। ये तो कच्चे हैं। कच्चे? हाँ, देखिए। देखो जरा। मुझे माफ कर दीजिए, मैं इसे यहाँ डेकोरेशन के लिए रख लेता हूँ, लेकिन हो ही नहीं सकता कि ये वाला भी कच्चा निकले, क्योंकि ये दिखने में बहुत पीला है, इसलिए ये मैंने काटा। ये लीजिए, चखिए। अगर इसे भी मैंने अपने बगीचे में उगाया होता तो ये भी हद से ज्यादा मीठा होता, बिल्कुल मेरे आर्टवर्क की तरह। कैसा है? बिल्कुल फीका है, और ये कच्चा भी है, खा कर देखो। लो। नहीं, आपको खरबूजों की ज्यादा परख है, मुझे आपके बात पर भरोसा है। ये वाला तो जरूर पक चुका होगा, कब से छांव में जो पड़ा हुआ है। अब मैं आपको इसका सैंपल टेस्ट करवाता हूँ, ये आपको जरूर पसंद आएगा। ये लीजिए, कैसा है? एक मिनट रुकिए, क्या आप यहाँ लोगों को बेवकूफ बनाने खड़े हैं? शर्म आनी चाहिए आपको, मैं आपकी शिकायत करूंगी। हद है, अल्लाह का वास्ता है बहन, अब खरबूजा फीका निकले तो पुलिस में शिकायत करोगी? नहीं नहीं नहीं, रुक 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 रुक, ऐसे तुम्हें आराम मिलेगा नीको। मुझे थोड़ा जूस पिला दो। ओहो भाई, आप तो जिंदगी के मजे लूट रहे हैं, जल्दी से ठीक हो जाओ। पर ये सब शुक्रिया मिस आहू, वो मैं गलती से गलत लोगों के हाथ लग गया था, लेकिन पानी में बहुत अच्छा लग रहा है, आप भी आओ ना। नहीं, तुम दोनों एंजॉय करो। नहीं नहीं, अपनी बिकनी पहनिए और पूल में कूद जाइए, यहाँ बहुत मजा आएगा, मेरी बात मानिए, आ जाइए। अल्लाह अल्लाह,
पूरे मोहल्ले की औरतें बुला लो। हाँ, बुला लो। सबको तुम्हारी परवाह करनी चाहिए ना। हाँ, करनी चाहिए। सबको तुमसे प्यार करना चाहिए। हाँ, करना चाहिए। तो दफा हो जाओ निको। अब तुम्हें आहू भी चाहिए। सुबह से तुम्हारा ख्याल मैं रख रही हूँ, उसका क्या? मुझे छोड़कर मत जाओ, मैं मजाक कर रहा था। खबरदार जो मेरे पीछे आए। लेकिन मैं तो आऊंगा मेरी जान, रुक जाओ। तुम्हारी वजह से सुबह से मैं यहाँ एंजॉय तक नहीं कर पाई हूँ। अब मुझे तुमसे कोई लेना देना नहीं है, बस यहाँ एंजॉय करूंगी। यहाँ आने की जरूरत नहीं। अब ये क्या है? अरे जब देखो वक्त बेवक्त मुझे कॉल करती रहती है ये सिसिल। हाँ बोलो नील, अभी तुम कहाँ पर हो? मैं निहाद के घर अंदर ही जाने वाली हूँ, उसे आज मुझे अपनी बर्थडे पार्टी के लिए इनवाइट किया है। मेरी बात गौर से सुनो, सुन रही हो ना? हाँ सुन रही हूँ, बोलो सिसिल। सिसिल नील, तुम मुझे सुन सकती हो ना? हेलो नील, ये बैटरी भी ना, इसे अभी खत्म होना था, सुबह चार्ज करना भूल गई। वेलकम। थैंक यू। आइए। क्या मैं पार्टी में जल्दी आ गई हूँ? नहीं तो। कोई बात नहीं, पहले आप अपना गिफ्ट लीजिए। हाँ, हाँ, हाँ। आपको ये जहमत उठाने की जरूरत क्या थी, लेकिन फिर भी गिफ्ट लाने के लिए शुक्रिया। बस छोटा सा गिफ्ट है। आइए बैठ जाइए। पर मैं यहाँ ज्यादा देर तक रुक नहीं पाऊंगी। आप तो बड़ी अच्छी एक्ट्रेस है मिस नील, मैं हैरान हूँ, पहले कभी आपको गौर से नहीं देखा। इंटरेस्टिंग, क्या आप सच कह रहे हैं? हाँ हाँ, मेरे लिए तो आप उन तीन बेहतरीन एक्ट्रेस में से एक हैं जिनके साथ मैंने आज तक काम किया है। तो मैं तीन बेस्ट एक्ट्रेस में से एक हूँ? हाँ हाँ बिल्कुल। मैंने आपको पीने के लिए तो कुछ पूछा ही नहीं। मैं अल्कोहल नहीं पीती हूँ, मैं सोडा विद लेमन ले लूंगी, लेमन सोडा होगा ना? हाँ है, फिक्र मत कीजिए, मेरे घर पर हर चीज है, कहीं मत जाइएगा, मैं अभी लेमन सोडा लेकर आता हूँ, ठीक है? मैं कहाँ जा सकती हूँ? मेरी जान, तुम मेरा यकीन क्यों नहीं करती, मैं तो बस मजाक कर रहा था। निको थोड़ी देर के लिए चुप रहो प्लीज, पता नहीं ये देमिर भी फोन नहीं उठा रहा है। लेकिन मैं तो खुद तुम्हारे पास आ गया हूँ बेबी। दिमित, तुम फोन क्यों नहीं उठा रहे थे अपना, कब से ट्राई कर रही हूँ? फोन साइलेंट ही रखते हैं इसलिए पता नहीं चला। वैसे बताओ तुमने कॉल क्यों किया था? क्या तुम्हें पता है कि नील निहाद के घर पर गई हुई है? मुझे कैसे पता? तुम्हें पता होना चाहिए, मैंने तुम्हें दूसरे सेट की चोरियों के बारे में बताया था। उन सारी मूवी सेट पर एक आदमी कॉमन था, निहाद, और वो आदमी मुझे बहुत खतरनाक लगता है। खतरनाक? हाँ, उसने आज नील को अपने बर्थडे पार्टी में इनवाइट किया है, लेकिन मैंने चेक किया वो आदमी कैप्रिकॉर्न है, उसका बर्थडे 14 जनवरी को आता है, मतलब उसका बर्थडे आज नहीं है। मतलब उन सारी चोरियों के पीछे उसी का हाथ है? शायद वो क्लेप्टोमैनियाक है। या अल्लाह, मैंने क्या कर दिया, उसे वहाँ अकेला नहीं छोड़ा। पर देमिर, इसमें ये भी लिखा है कि क्लेप्टोमैनियाक सेक्सुअली हैरेस करने के भी आदी होते हैं। जल्दी से उसका एड्रेस ढूंढो और मुझे मैसेज करो। जाओ जाओ जल्दी जाओ। इतनी जल्दी आ गए सालिम, खरबूजे भी सारे बेच दिए? हाँ हाँ बिल्कुल, सारे बेच दिए, सारे खरबूजे बिक गए। अच्छी बात है, तो चलो फिर आज रात को मछली खाने चलते हैं। नहीं आज रात नहीं, आज मैं बहुत थका हारा हूँ, आज नहीं, मुझे थोड़ा आराम करने की जरूरत है, समझ गई? फिर इतना काम करने का फायदा ही क्या है अगर हम पैसा नहीं खर्च कर सकते? हाँ मेरे खरबूजे वाले सालिम। अब मैंने खरबूजे बेचने बंद कर दिए हैं, अब मैं कोई नया काम शुरू करूंगा। लेकिन क्यों,
आज पहले दिन ही तो तुमने सारे खरबूजे बेच दिए हैं, फिर नया काम क्यों? अब मेरी दिलचस्पी टेक्सटाइल इंडस्ट्री की तरफ हो रही है फिजन। खरबूजे बेचना सरदर्दी का काम है, टेक्सटाइल में कच्चे पक्के जैसी कोई सरदर्दी नहीं है। बस टी शर्ट बनाओ, कोई पोशाक या ड्रेस बनाओ, उनको थैली में पैक करो और भेज दो। तुम कितनी जल्दी जल्दी बिजनेस को कामयाब बनाने के तरीके सोच लेते हो। अल्लाह निगाहे करम करे, जल्दी ही तुम्हारी अपनी खुद की कपड़े की फैक्ट्री होगी, फिर तुम बहुत बिजी हो जाओगे। हैं कई के दिन घर नहीं आया करोगे। मेरे फैक्ट्री वाले सलीम। इस मूवी में भी काम किया था? जितनी मूवीज आपको याद है मैंने तकरीबन हर मूवी में काम किया है। ओ, फातिमा गिरिक, ये देखिए लियोनार्डो दी कैप्रियो। नहीं, आपको शायद कोई गलत फहमी हो गई है। हाँ, लेकिन ये दिखता बिल्कुल लियोनार्डो दी कैप्रियो के जैसा ही है, आज ही गौर से देखा। बहुत खूबसूरत है, आपने तो इतनी सारी मूवीज में काम किया हुआ है, लेकिन ये किस तरह की बर्थडे पार्टी है? ना यहाँ पर केक है ना कोई सजावट। मैं भी कितना भुलक्कड़ इंसान हूँ, बर्थडे की तैयारी करना ही भूल गया। मैं अभी सारी तैयारी करता हूँ, आप यहाँ बैठी रहिए, ठीक है? कहीं मत जाइएगा। हाँ, मैं अभी वापस आता हूँ। अच्छा, मैं यहाँ एल्बम देखती हूँ। यहाँ है, इसने तो चोरी का सारा सामान यहीं पर छुपा कर रखा हुआ है। संकी आदमी कहीं का, मैं तो इसकी बहुत बड़ी फैन थी। चश्मेश, कभी तो मेरी बात मान जाया करो। मैं केक के साथ शैंपेन लेकर आ रहा हूँ, तुम पियोगी ना? हाँ हाँ, मैं पियूंगी। ये तो सोडा के जैसा ही होता है ना, मैं पी लूंगी। लग रहा है कि आपने इसे खुद बनाया है। नहीं, मैंने नहीं बनाया है, लेकिन ये मेरे फेवरेट केक्स शॉप में से है। कौन सा फ्लेवर है? क्रोकेंट और चॉकलेट। ये तो मेरे भी फेवरेट हैं। क्या तुम सच कह रही हो? कितना हसीन इत्तेफाक है, मुझे सिर्फ यही एक केक पसंद है। चलो खाते हैं। जल्दी से विश करो और उसके बाद कैंडल्स को बुझा दो। मेरी विश तो पहले से ही पूरी हो चुकी है, अब अगर आपकी इजाजत हो तो मैं
मेरी ख्वाहिश सिर्फ आपके जैसे किसी खूबसूरत गेस्ट के साथ मनाने की थी, इसलिए चीयर्स। क्या बात है, बड़ा अच्छा टेस्ट है, बिल्कुल सोडा के जैसा ही। आपके बर्थडे के दिन मैं आपके आने वाली खुशहाल जिंदगी के लिए दिल से दुआएं देती हूँ। आपका शुक्रिया, आपकी दुआ जरूर कबूल होगी। नेहात, देखो मैं सब कुछ जानती हूँ, तुम्हारे चोरी करने की बात। ये तुम क्या कह रही हो, हाँ? तुम मेरे साथ मजाक कर रही हो? नहीं, मैं कोई मजाक नहीं कर रही। मैंने चोरी का सामान देखा है। कहाँ देखा है? ये मुझे अचानक से क्या हो रहा है? मुझसे तो ठीक से बोला भी नहीं जा रहा है, कुछ हो रहा है। अच्छा, ऐसा हो रहा है क्या? हाँ? क्या तुमने मेरी ड्रिंक में कुछ मिला दिया था? हाँ? मुझे ये किसी मूवी सीन जैसा लग रहा है। समझदार हो, फिर तो तुम ये भी जानती होगी कि अब तुम्हारे साथ आगे क्या होने वाला है। अबे तू यहाँ क्यों आया है? तुझे बर्थडे विश करने आया हूँ। चल आजा आजा आजा। तुझे लगता है ये फिल्म का सीन है? आजा। हाँ? क्या बोल रहा था? भग। नील, 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 क्या तुम ठीक हो? नील, अपनी आंखें खोलो। नील, तैमर। हाँ, फिक्र मत करो, मैं आ गया हूँ। तैमर। नील, तुम ठीक हो? मुझे क्या हुआ है? अरे वो निहत एक नंबर का कमीना इंसान है, तो मैंने उसे... उसने मेरे साथ कुछ किया तो नहीं? मेरे होते हुए कोई ऐसा कर सकता है क्या? तो तुम मुझे बचाने आए थे? हाँ। थैंक यू। तुम ठीक हो ना? हाँ, मैं ठीक हूँ। तेरी वजह से मैंने पता नहीं कितने बेगुनाह लोगों पर इल्जाम लगाया है। मैं तुझ पर मुकदमा करूंगा। देखो उसे ले जा रहे हैं। क्या आप ठीक हैं मिस नील? पहले से बेहतर है। ये कौन है? हमारे क्लाइंट है, पहचाना नहीं क्या? आज से आप मेरी कंपनी के परमानेंट लॉयर्स हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। असल में ये सही वक्त नहीं है, लेकिन हाँ जानता हूँ। अब आप माहिर और मिस सरपील को समझा बुझा कर वापस बुला लीजिए और शूटिंग शुरू कर दीजिए। हाँ, मैं उन्हें जरूर कॉल करूंगा। वो जितना मुआवजा मांगेंगे मैं उन्हें उतना देने को तैयार हूँ। आप फिक्र मत करिए, ये मेरी और मेरी कंपनी की इज्जत का सवाल है। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं। क्या हुआ? तुम क्या कहती हो, इस टॉप के साथ ये स्कर्ट मैच होगा क्या? नहीं, हमारे रूल्स एकदम क्लियर है आयशा। हम पूरे जिस्म को ओपनली नहीं दिखा सकते। अगर हम एक पार्ट की नुमाइश करेंगे तो दूसरे को ढक लेंगे। इसीलिए हम कभी भी मिनी स्कर्ट के साथ क्लीवेज वाला टॉप नहीं पहनेंगे। तुम कितनी इंटेलिजेंट हो, मुझे तुमसे बहुत सारी फैशन टिप्स लेनी है। तुम फिक्र मत करो, ये आसान है। अच्छा, मैं बाथरूम जाती हूँ, तुम कपड़े समेट लो। ठीक है? ठीक है। कितनी सयानी बातें कर रही है, खुद काम पर कैसे कपड़े पहनकर जाती है और यहाँ बैठ के तुम्हें सलीका सिखा रही है। क्या समझती है अपने आप को? आप बीच में मत बोलो मॉम, आहू मेरी लाइफ कोच है, पता है आपको? पहले आहू को अपनी जिंदगी तो संवारने दो, समझी कि नहीं? मुझे ये औरत अपने घर में बिल्कुल पसंद नहीं है, और ये सब क्या लेकर आई हो? हाँ,
मेरी स्कूल खत्म होने के बाद काम करने के वक्त मुझे ऐसे कपड़े पहनने पड़ेंगे। आप मुझे सलाह मत दो। ठीक है, तुम्हें जो करना है वो कर तू, लेकिन इस औरत को दोबारा इस घर में मत लेकर आना, समझी कि नहीं? याद रखना। आप मुझसे नाराज क्यों हो? तुमने इस घर को होटल बना दिया है मौजिज, हर कोने में कोई ना कोई खड़ा मिलता है। मैं यहाँ कमरे में कैदी बनकर रह गया हूँ, मुझे तो लग रहा है बस यहीं पे निपट जाऊंगा। क्या करूँ, उस निको का जबड़ा टूट गया है इसलिए वो यहाँ पर रुका हुआ है। सिसिल उसका देखभाल करने यहाँ पर आई है। क्या खाक देखभाल करने आई है? तुमने देखा नहीं, आज सुबह से ही दोनों स्विमिंग पूल में रंग रलिया मनाए जा रहे हैं, जरूर इनका कोई चक्कर चल रहा है। क्या आपको ऐसा लग रहा है हकी? मैं तो इस बात से बड़ी खुश हूँ, सिसिल बड़ी अच्छी लड़की है और नील की बचपन की दोस्त भी है। इंशाल्लाह अगर उसका निको से निकाह हो गया तो हमारा उससे पीछा छूट जाएगा। लेकिन आहू यहाँ क्या करने आई है, क्या काम है उसका? उसे आयशा यहाँ लेकर आई है, वो उसके साथ आज शॉपिंग करने गई थी। यहाँ मेरा बिजनेस डूबने की कगार पर है और वो मॉल में जाकर सारे पैसे उड़ाए जा रही है। दिवालिया निकलने वाला है मौजिज, दिवालिया। चिल्लाइए मत। मिस्टर हकी, कहती है सारा तेरी आंखें मेरे दिल की ये जुबान, बोलना है तुमसे दिल की सारी बातें, तुम हो मेरा कारवां, मंजिल तू मेरी और मैं हूँ रास्ता, कब से हूँ मैं लापता, उस दिल की दास्तां जिसमें तुम लिखी हो। तेरे बिन आशिकी, तेरे बिन आशिकी, तेरे बिन आशिकी।